चलो आज गुलदावदी को स्टेम से ग्रो करते हैं। एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द मैजिक ऑफ ग्रोइंग न्यू गुलदावदी फ्लावर्स फ्रॉम जस्ट अ स्मॉल कटिंग। और आपको भी फ्लावर्स मेरे जितना ही पसंद है, देन दिस वन इज फॉर यू। बस आपको गुलदावदी की एक ग्रीन स्टेम लेनी है जो कि बहुत ज्यादा वुडी ना हो। केयरफुली उसको 4-6 इंचेस लॉन्ग कट कर लें, जस्ट बिलो अ लीफ नोड। इट्स प्रिपेयर द कटिंग्स टू ग्रो। बहुत ही आराम से हल्के हाथों से जो नीचे के पत्ते हैं उन्हें हटा दीजिए और इन्हें हल्दी में लगाकर तैयार कर लेना है। हल्दी यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती है और रूट रॉट होने की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। साथ ही चींटी और बाकी सारे कीड़ों का भी समाधान है ये। मैं इसे यहाँ एक गमले में लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी इसमें रूट्स डेवलपमेंट चाहिए। जब इसमें रूट्स आ जाएंगे तब मैं सारे प्लांट्स को निकाल कर इसे अलग अलग गमले में लगाऊंगी। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि सॉइल बिल्कुल वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। इसे किसी ऐसी जगह पर रख दे जहाँ की पार्शियल सनलाइट, या फिर आप 5-6 दिनों के लिए इसे बिल्कुल शेडेड जगह पे भी रख सकते हो। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 2 weeks यू विल सी न्यू ग्रोथ इन योर प्लांट। ज़्यादा स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्राइसेंथेमम एक बहुत ही ईजिली ग्रोइंग प्लांट है, बहुत ही प्यारा बेबी प्लांट है। जस्ट अ लिटिल केयर एंड लव एंड दैट्स ऑल।